लखनऊ से हम जानकारी मिल रही है, राज्य कर्मियों को मिल सकता है बोनस का तोहफा। 14 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है ये तोहफा। समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। आज फैसला नहीं हुआ तो करना पड़ सकता है दिवाली तक इंतजार। कर्मचारी चाहते हैं कि दशहरे से पहले मिले बोनस, तो ऐसे में उन्हें ये तोहफा मिल सकता है। माना जा रहा है कि आज ही तोहफा मिल सकता है, अगर आज नहीं मिलता है तो दिवाली तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कर्मचारी चाहते हैं कि दशहरे से पहले उन्हें ये बोनस मिल जाए। लखनऊ से हम जानकारी, कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को तोहफा मिल सकता है और 14 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है ये तोहफा। समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। आज फैसला नहीं हुआ तो दिवाली तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो वही कर्मचारी चाहते हैं कि दशहरे से पहले उन्हें ये बोनस मिल जाए। तो राज्य कर्मचारियों को आज खुशखबरी मिल सकती है, उन्हें बोनस का तोहफा मिल सकता है। 14 लाख कर्मियों को मिल सकता है ये बोनस का तोहफा, उनके लिए खुशखबरी वाली खबर है। और समूह ख, ग और घ के कर्मचारियों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। आज फैसला नहीं आता है तो दिवाली तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कर्मचारी नहीं चाहते कि दिवाली तक इंतजार करना पड़े, वो ये चाहते हैं कि दशहरे से पहले उन्हें ये बोनस मिल जाए, ये फायदा मिल जाए, तो उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संकेत मिश्रा जुड़ गए। संकेत, क्या अपडेट मिल रहा है खबर पर? क्या आज माना जाए कि जो राज्य कर्मचारी उन्हें ये तोहफा मिल जाएगा? देखिए, जिस तरह से कर्मचारी लगातार राज्य कर्मचारी मांग कर रहे थे कि दशहरे से पहले उनको ये बोनस का लाभ मिले, और केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको बोनस का लाभ मिल चुका है दिवाली से पहले, तो ऐसे में ये कर्मचारी भी आस लगाए हुए थे। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी ये लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन दशहरे और दीपावली के मौके पर उम्मीद जताई जा रही थी इनका हो जाएगा, लेकिन शुक्रवार आज का दिन यानी कि आखिरी कार्य दिवस है दशहरे से पहले का, तो ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि आज फैसला हो सकता है इनको दिवाली का जो बोनस है वो मिल जाएगा दिवाली से पहले। और वहीं दूसरी तरफ ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर आज नहीं मिला तो फिर दिवाली से पहले इनको, यानी कि दिवाली तक इनको इंतजार करना पड़ सकता है 14 लाख कर्मचारियों को। इसमें समूह ख, ग और घ के कर्मचारी हैं, और ये कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे बोनस की। और जिस तरह से कोरोना में आर्थिक तंगी में उत्तर प्रदेश सरकार थी, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संकेत दिया था कि वो जो लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है उसे रोका नहीं जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को एक आस लगी हुई है सरकार से, और वो जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दे दिया तो आखिर प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी उम्मीद लगाए रखे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। तो आज का दिन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनको बोनस आज मिल सकता है, और अगर आज नहीं मिलता है तो फिर ये आखिरी कार्य दिवस है दशहरे से पहले का, तो दिवाली तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। संकेत मिश्रा, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।